हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। झारखंड में सैर करने के दौरान इस श्रृंखला में जमशेदपुर भी आता है, तो आइए जानते हैं जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है। नियोजित का मतलब यह होता है जहां संसाधन के संरक्षण के लिए नियुक्ति किया जाए, उसे ही नियोजित शहर कहा जाता है। यहां कई प्रकार के उद्योग के साथ साथ यहां हरियाली भी है। यहाँ दलमा पहाड़, डिमना झील, जुबली पार्क, भुवनेश्वरी मंदिर, टाटा स्टील आदि प्राकृतिक स्थल है जो कि देखने लायक है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल डैम प्राकृतिक सुंदरता का एक जबरदस्त नमूना है। यह बांध झारखंड के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। यहाँ बहुत से पर्यटक दूर दूर से चांडिल डैम को देखने के लिए आते हैं। आप अगर आना चाहते हैं तो रांची से सड़क मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। यहां आने का सबसे आकर्षक महीना नवंबर से फरवरी तक माना जाता है। झारखंड में जैनियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पारसनाथ पहाड़ी पर मौजूद है। यह राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह गिरिडीह जिले में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 24 जैन तीर्थकरों में से एक तीर्थकर यहाँ स्थित है। इसके अलावा आप खंडौली में भी बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। खंडौली पहाड़ की चोटी ज्वालामुखी की तरह शंकुाकार में दिखाई देती है। अगर आप गिरिडीह आना चाहते हैं तो यह सड़क मार्ग से भी और रेल मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। देवघर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। देवघर एक धार्मिक स्थल है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम की मंदिर है। शिव गंगा विश्व प्रसिद्ध है। सावन में बाबा भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से देवघर का बाबा धाम एक माना जाता है। देवघर रेल मार्ग के अलावा यहाँ सड़क मार्ग से भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने का मुख्य समय जुलाई से मार्च महीने तक का है। धनबाद को कौल राजधानी कहा जाता है। यह शहर अपने आप में कई रहस्य को छुपाए हुए बैठा है। यहाँ मैथन डैम, तोमचाची झील, झरिया कोयला खदान इत्यादि घूमने के लिए बहुत से बेहतरीन जगह हैं। धनबाद जाने का सबसे सुगम साधन रेल मार्ग है। आप लोगों को हमारी यह छोटी सी वीडियो कैसे लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के दौर में अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।